नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको एग्जैक्ट और सटीक खबर देंगे बजट को लेकर के, लेकिन उसके पहले मैं कुछ मूर्खों से मिलाता हूं। बुरा तो मैं इसीलिए हूं क्योंकि मूर्खता की हद होती है। मुकदमा के नाम पर ठगी की गई, मुकदमा का अता पता है नहीं, कहां चल रहा मुकदमा कोई पता आता नहीं है। अगर इतना ही मुकदमा में ताकत था तो ये एक व्यक्ति है जो मूर्खता की हद पार कर रहे हैं, इनका आईडियो हमारे पास आया, आप उसको ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि बजट पास हो रहा है, जो न्यूज पे चल रहा ना बजट लाइव, उसने बोला चैटिंग करो ग्राम प्रहरियों, बजट बढ़ जाएगा। इन मूर्खों से ये पूछा जाए कि आपकी चैटिंग से क्या होगा, जब आज बजट पेश हो रहा है आप उसमें चैटिंग कर देंगे तो क्या तुरंत बजट बन जाता है। अरे बजट में समय लगता है, जब बजट लाया जाता है तो 2-4 महीने पहले तैयारियां होती हैं, लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए, पहले इनको सुन लीजिए आप। आज ये लाइव बजट चल रहा है और आप सभी से निवेदन है कि इसको जब खोलेंगे तो लाइव चैट आता है, आप अपने ग्राम प्रहरियों के लिए इतना कमेंट कर दीजिए कि देखने वाले में सबसे अधिक आपको ग्राम प्रहरी चौकीदार ही दिखाई दे, क्योंकि ये लाइव कमेंट जो है बहुत ही अत्यंत आवश्यक है और ये सीधा समझ लीजिए लाइव प्रसारण है। इस पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता और सभी लोगों का इस पर ध्यान है, सभी लोग देख रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि बताइए, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, इनको अपने मुकदमा पे विश्वास ही नहीं। आप सोचिए, आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लिए ना, इससे इनको विश्वास ही नहीं है कि हमारा मुकदमा है या नहीं है। आप कुल मिला के, हम तो हमेशा पर्दाफाश करते हैं, तो आपको पता है मैं बुरा तो हुई उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता आदमी। अब मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा और एकदम एक्चुअल जानकारी दूंगा जो हकीकत और सच्चाई से भरी है। कन्फ्यूजन इस बात की फैली हुई है कि भाई 5 फरवरी निकल गई, चौकीदारों का नामो निशान नहीं है। अरे भैया, 5 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा, पहले तो आप ये ध्यान से सुन लो। आपको नहीं बताया होगा किसी ने, हमें मालूम, हम जानते हैं ना, आपको नहीं बताया होगा। बहुत बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल खोले बैठे ना, इनको कुछ नहीं घंटा पता होता, आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं तो हमेशा एक एक बारीकों से चीजों को निकालता हूं, आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं अंदाजा लगाना मुश्किल है। आज से 12 फरवरी तक मैं आपको दिखा दे रहा हूं स्क्रीनशॉट, यूपी का बजट सत्र कौन सा शेड्यूल कब और चेक करें। उसके बाद आज आपको बता दूं कि आज जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो किया गया है धार्मिक तीर्थ स्थलों के ऊपर, किसानों के ऊपर और पेंशनों के ऊपर। अभी हाल में पता चल रहा है कि जो सीमांत किसान 60 वर्ष की आयु के हैं उनका 3,000 रुपए महीने कर दिया गया है वो पेंशन, 60 साल, आप समझिए 60 साल की जो सीमांत में वो आते हैं किसान, उनका 3,000 रुपए महीना कर दिया गया पेंशन। भाई ये तो बहुत अच्छी पहल है, और इसके अलावा भी आंगनबाड़ी के लिए भी चर्चा सरकार आगे कर रही है। तो आज तो इन मुद्दों पर काम हुआ, अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, 8 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय पर साधारण चर्चा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7 फरवरी और 10-12 फरवरी, इन बीच में आपका जो आय व्यय, मतलब कि आय जो मतलब पैसों के रिलेटेड, जैसे चाहे वो तनख्वाह वृद्धि हो, वेतन वृद्धि, इन मामलों पर आगे बात होगी। 12 फरवरी को दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 को सदन में पुनः स्थापित कर पारित किया जाएगा। ये आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं, आप तक ये बड़े बड़े महानुभाव ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन आपको जो एक्चुअल बता रहा हूं यही है, ठीक है बंधु। तो किसी के बहकावे में ना आए, जो सच्चाई है वो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, पल पल पे खबर देता रहता हूं, पर आपको दिमाग पर लगाना चाहिए कि यार मुझे सही दिशा में मैं चल रहा हूं या गलत दिशा में चल रहा हूं। कई भाई मुझे फोन करते हैं, मैंने फोन उठाना इसलिए बंद किया क्योंकि हमेशा पूछते वेतन बढ़ेगा। अरे भाई मैं वेतन थोड़ा ना बढ़ा रहा हूं, मेरा काम है आपको खबर पहुंचाना, आपके लिए आवाज उठाना, मैं वो कर रहा हूं। अरे कोई इमरजेंसी हो तो कॉल करो, ऐसे लोगों की वजह से कई बार इमरजेंसी कॉल नहीं उठवाते, ये सोचिए कितना नुकसान होता है आप लोगों का। तो बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि गुमराह ना हो, किसी कहने पर बहकावे में ना आए, मैं आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देता हूं और हमेशा देता रहूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आपके लिए बैठा हूं ना तो हमेशा जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको अपना माना है, हमें कोई छल आपके साथ नहीं करना, आपके साथ कपट नहीं करना, मुझे ठग करके अपने आप को अमीर नहीं बनाना,
मैं परेशान से ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ, कहते हैं ना कि अपनी परेशानी भूलकर दूसरे को परेशानी में जो खड़ा होता है वह इंसान होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी खबर लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।